अभी कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई है, इस वजह से हम लाइव नहीं कर पा रहे हैं, तो इसके लिए हम चर्चा कर रहे हैं पीयूष जी से। हेलो, हेलो। हाँ दिलीप, आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है? यस यस, हाँ मेरी आवाज आ रही है आपको पीयूष जी? चलिए, जी, दिलीप जी, आ रही है आपकी आवाज। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप अपना कीमती समय निकालकर आज हमारे साथ जुड़े, और जरूर कहीं ना कहीं हम कुछ टेक्निकल कारणों से अभी लाइव होने में हमें विलंब हो गई। सो सारे दोस्तों से मैं गुजारिश करूंगा, कृपया आप लोग जल्दी से जल्दी जुड़े, क्योंकि ये एक महत्वपूर्ण चर्चा है। तो जी बिल्कुल, चर्चा होनी भी चाहिए। सुप्रभात मित्रों, मैं दिलीप कुमार, आपका होस्ट, आप सबका इस लाइव चर्चा में स्वागत है। जैसा कि हम जानते हैं, बिहार में पंचायत चुनाव का बिगुल बज चुका है, और देश का विकास गांव के विकास से जुड़ा होता है। अगर गांव का विकास ना हो तो कभी भी देश का विकास नहीं हो सकता है। तो सारे मतदाताओं से, सारी जनता से मेरी ये निवेदन है कि आप बढ़ चढ़कर इस पंचायत चुनाव में हिस्सा लें, और कोई भी मुखिया प्रत्याशी अगर आपके पास आते हैं वोट के लिए, तो उनसे उनका विजन पूछें, वो क्या कर सकते हैं। तो और अपनी बातों को आप मजबूती के साथ रखें, क्योंकि बात देश का है, बात समाज का है। तो इसी चर्चा के लिए हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं पीयूष जी, जो कि सामाजिक कार्यकर्ता भी उन्हें कह सकते हैं। अपने काफी शेड्यूल, बिजी शेड्यूल टाइम से निकाल कर गाँव के बच्चों को इंग्लिश पढ़ाते हैं। ये समाज के लिए एक बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, और इनके इनके द्वारा पढ़े हुए बच्चे आज अच्छी अच्छी जगह पे नौकरी कर रहे हैं, चाहे वो गवर्नमेंट हो या फिर प्राइवेट हो। सो पीयूष जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप जो योगदान दे रहे हैं समाज के लिए, और मुझे लगा कि मुझे आपसे जुड़ना चाहिए, और इसीलिए मैंने आपको यहाँ पे आज आमंत्रण किया। और चर्चा का विषय ये है कि हमें पंचायत चुनाव में किन किन बातों का ध्यान रखना है। मैं चाहूंगा कि आप मेरे दर्शकों का आप अपना कुछ परिचय दें। दिलीप जी, सबसे पहले तो धन्यवाद इस प्लेटफॉर्म पे बुलाने के लिए। और इस टाइम पे मुझे लगता है कि सोशल मीडिया के माध्यम से हम जो भी चीज़ बता सकते हैं बताना चाहिए। और जितने लोग आपके पेज को फॉलो कर रहे हैं, मैं उनको भी धन्यवाद बोलना चाहूँगा कि इस पेज के माध्यम से जुड़े हैं, कुछ ना कुछ आप जरूर अवेयरनेस फैला रहे हैं, जानकारियाँ फैला रहे हैं, जो कि एक दूसरे के लिए फायदेमंद है। और सोचना भी चाहिए, क्योंकि इलेक्शन का टाइम आ रहा है और शायद हो सकता है इस इन्हीं सारी डिस्कशन से कोई ऐसी बात निकल के आ जाए जो एक हमारे डिसीजन बनाने के लिए कि हमें किसको वोट देना चाहिए उसमें मदद मिले। क्योंकि ये चुनाव 5 साल के बाद आता है और जिस जिस भी लीडर को हम चुन लेते हैं वो 5 साल के लिए एक तरह से पूरा फिक्स हो जाता है, और हमारा कहीं ना कहीं पूरा का पूरा डेवलपमेंट और आसपास की जैसे सोसाइटी को बिल्ड करने में उनका हाथ होता है। चाहे मुखिया की बात करें, चाहे सरपंच की बात करें, सरपंच अगर डिसीजन ले रहे हैं हमारे कोई भी लीगल चीज़ों के लिए, या पंचायती तौर पे कोई भी अगर कानूनी तौर पे वो अपना डिसीजन दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनके डिसीजन काफ़ी मैटर करते हैं हमारे सोसाइटी की हारमोनी के लिए। और मैं अगर अपने बारे में बताऊं तो मेरा नाम पीयूष कुमार है और मैं भी एक बिहार के छोटे से गांव से हूं। मेरा गांव पूर्वी चंपारण डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और गांव का नाम है कुबरा। मैं बिल्कुल गांव से हूं तो मैं इस चीज़ को समझ सकता हूं कि एक पंचायत इलेक्शन कितना मायने रखता है। और वहां से दिल्ली तक आने का सफर जो रहा है वो काफ़ी उतराव चढ़ाव वाला रहा है। कहीं ना कहीं इसमें हम सिस्टम को भी
काफी चीजें उम्मीद कर रहे थे कि हमारा सिस्टम अगर ऐसा होता तो शायद हम दिल्ली नहीं जाते पढ़ने के लिए, अगर हमारे गांव में उतनी अच्छी एजुकेशन होती तो हम इतना स्ट्रगल नहीं कर रहे होते। तो मैं सारा का सारा चीज एक चीज पे नहीं मतलब एक तरह से थोपना चाहूंगा, लेकिन जरूर कहीं ना कहीं ये सारी चीजें निकल के आती है जब भी गांव का विकास हो, चाहे शहर का विकास हो, चाहे एक स्टेट का विकास हो, कहीं ना कहीं उसमें सारी बातें आई जाती है। तो मैं बाकी छोटे छोटे बच्चे या जिनको भी इच्छा होती है, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ और मैं पॉलिटिक्स में काफी इंटरेस्ट रखता हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट इसलिए नहीं कि क्योंकि मैं किसी पार्टी का सपोर्टर हूँ, बिल्कुल नहीं। मैं एक लिबरल सोच रखने वाला व्यक्ति हूँ और मैं चाहता हूँ कि बिल्कुल हमें इसमें इंटरेस्ट रखना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आसपास के जो हमारे लीडर हैं उन पे हमारा कहीं ना कहीं भविष्य निर्भर करता है, हमारी सोसाइटी कैसी हो, हमारी एजुकेशन कैसी हो, हमारे आसपास के लोग कैसे हों, और हमारे आसपास की इंफ्रास्ट्रक्चर कैसी हो, सिस्टम न्यूज़ कैसे हो, जी हमारे लीडर कैसे हो। धीरे धीरे व्यूवर्स हमसे जुड़ रहे हैं अच्छा, और व्यूवर्स का काफी काफी स्वागत मेरे है। तो मुझे लगता है कि अब हमें कुछ प्रश्नों के साथ चलना चाहिए। सो जी 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 मेरा पहला बिल्कुल प्रश्न, एक्चुअली आप हमेशा तो जाते ही रहते हैं, आप अपने गांव जाते हैं, आपने देखा है जमीनी तौर से आप जुड़े हुए हैं, इसीलिए आप अपना भागीदारी समाज के लिए निभाते भी हैं। तो इसके अलावा पंचायत विकास के क्या मायने हैं आपके दृष्टिकोण से पीयूष जी? पंचायत विकास का क्या मायने हैं? देखिए, ग्राउंड लेवल पे अगर बात करें, अगर पंचायत की बात करें, तो वहाँ पे विकास के बहुत सारे मायने हैं। अगर हम अपनी इन अगर पूरे देश की विकास देखते हैं तो बिना पंचायत के विकास का हम इमेजिन नहीं कर सकते, उसके बारे में सोच नहीं सकते। और विकास चाहे एक छोटे कस्बे में क्यों ना हो रहा हो, उसका इम्पेक्ट पूरे नेशन पे पड़ता है। अगर हम वहाँ पे एक इलेक्टेड मेंबर, यानी कि जो हम जनप्रतिनिधि को जिसको भी चुनते हैं मुखिया के लिए या वार्ड सदस्य के लिए या पंचायत सचिव के लिए, इन जितने सारे हमारे इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, इनका कुछ रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, कुछ जिम्मेदारी होती है, और ये अगर अच्छे से निभाएं तो इसमें पंचायत में काफी अच्छा विकास हो सकता है। और ये विकास हमारे कहीं ना कहीं सोसाइटी को मैं बात सोसाइटी के बिना इमेजिन नहीं कर सकते। हम जहाँ से आते हैं, हमारा एक गाँव होता है बिहार में, और गाँव में बहुत सारा लोग होखेला, अब एक दूसरा से सब क्यों के लगाव बाटे। अब ओमे कहीं ना कहीं केहू के घर में अच्छा से केहू के मतलब जैसे केहू के तबीयत खराब हो गई और केहू के हॉस्पिटल जाए के बटे, अगर हॉस्पिटल जाए के कोनो ओती व्यवस्था नहीं के, छोटा मोटा विकास रोडे सही नहीं के, तो आदमी के जाए हॉस्पिटल, है ना। आई बहुत सारा समस्या देखे के मिलल बा। अगर हम खुद अपना गांव के बात करें जहाँ से हम बिलोंग करेनी, वहां पे आप देखिएगा दिलीप जी, तो रोड का हालत थोड़ा सा वैसे ही है। आप अगर घर से आप हॉस्पिटल तक जाना चाहे या कोर्ट कचहरी तक जाना चाहे या ब्लॉक तक जाना चाहे, आपका पूरा बॉडी हिल जाएगा। ठीक है, हाँ तो अब ऐसी चीजें आपने शायद एक्सपीरियंस किया, हर रोड बनी है लेकिन वहां पे जो विकास है ना, ये छोटे छोटे लोगों पे निर्भर करता है, चाहे मुखिया हो, वार्ड हाँ सदस्य हो, तो या तो ये विकास का जो कार्य है, मुझे लगता है जहां तक मैं भी जाते रहता हूँ गांव, तो अब मैं भी काफी जगह पे घूमते रहता हूँ, तो कहीं ना कहीं ये विकास का जो खोखला वादा है वो पेपरों में ही रह जाता है, जनता वैसे ही जी पिसती रहती है। तो अगला क्वेश्चन, अगला मेरा प्रश्न जो है इसी से आधारित है पीयूष जी, कि जनता को अपना वोट डालने से पहले किन किन महत्वपूर्ण पहलुओं पे ध्यान देनी चाहिए? बिकॉज क्योंकि ये जो है ये फिर आपका 5 साल का रूपरेखा तय करता है, आपके पंचायत का, आपके ब्लॉक का, आपके डिस्ट्रिक्ट का, को भी कह ले आपके देश का। तो हमें किन किन जी बातों का ध्यान रखना चाहिए, महत्वपूर्ण बातों का ध्यान? देखिए, वोट जिसके लिए हम डाल रहे हैं, ऑफ कोर्स हम कोई जनप्रतिनिधि चुन रहे हैं, कोई लीडर हम चुन रहे हैं अपने एरिया के लिए, किसी पद के लिए, तो हम लीडर जिसको भी हम चुन रहे हैं जिस पद के लिए, बिल्कुल हमें उसको एक तरह से पूरे जांच पड़ताल करके, क्या ये हमारे जो पंचायत है उसके लिए सुटेबल है, क्या वो पंचायत के लिए विकास कर सकता है। सबसे बड़ी चीज है विकास का मतलब क्या है, जो वहाँ की बेसिक चीजें हैं उसके हिसाब से वो काम मूलभूत कर सकता सुविधाएं है। जैसे आपका हॉस्पिटल हो गया, स्कूल हो गया, ठीक है,
रोड्स, बिजली, इलेक्ट्रिक और गरीबों का सबसे ज्यादा ध्यान रखना, विकास के मायने यही है। सबको शिक्षा, सामान्य शिक्षा मिलनी चाहिए, बिल्कुल। है और ना? एक बात मैं बताऊं दिलीप जी, तो अगर मैं बात करूं कि जब भी हम जनप्रतिनिधि की बात करते हैं या लीडर की बात करते हैं, लीडरशिप में कुछ क्वालिटी होती है और शायद वो हमें बहुत कम देखने को मिलता है, स्पेशली अब गांव के जितना हम करीब जाएं, क्योंकि कुछ लोग ना सेल्फ इंटरेस्ट से आते हैं, कुछ उनकी स्वार्थ भावनाएं हैं जो कि पद से है कि हाँ मैं अगर ये बन जाऊंगा तो बस मैं मेरे को पावर मिल जाएगा, या मैं अपनी क्या कहते हैं कि अगर नौकरी नहीं कर रहा हूं तो इसके माध्यम से मेरी गुजारा हो जाएगी। सच बता रहा हूँ, थोड़ी सी कड़वी लगेगी ये बात, लेकिन कुछ लोगों की ये ही नहीं पता है कि उनकी जिम्मेदारी क्या होती है। अगर वो वार्ड सदस्य बन रहे हैं तो उनकी क्या जिम्मेदारी होती है, अगर मुखिया कोई बन रहे हैं तो उनकी क्या जिम्मेदारी होती है। ठीक है, ये सारी चीजों को समझने वाला अगर कोई लीडर है, आप उनको अगर जानते हैं तो उनको बिल्कुल मौका देना चाहिए, क्योंकि अगर ये आपको बरसों किसी से एक चीज अच्छा, देख हाँ जी बोल बताइए। पीयूष जी, बरसों से एक चीज देखा जा रहा है कि जो लोग सत्ता में चले जाते हैं, ठीक है, जी, आप किसी लेवल की बात करें, अगर आप बात पंचायत लेवल की करें या फिर आप बात किसी लेवल के राजनीतिक करें, तो जो लोग सत्ता में चले जाते हैं वो जनता को भूल जाते हैं, जो सत्ता में नहीं रहते हैं वो जनता के साथ रहते हैं। तो हम कैसे वहां पे कैसे एक सही उम्मीदवार का चुनाव हम कैसे करें, हम कैसे समझें कि ये उम्मीदवार मेरे लिए बढ़िया है, ये हमारे पंचायत के लिए, हमारे गांव के लिए अच्छा कर सकता है? अच्छा, इसको बताने के लिए मैं एक आपको उदाहरण देना चाहूंगा। मान के चलिए कि आप नौकरी ढूंढ रहे हैं, आपको कंपनी में नौकरी चाहिए, ठीक है, तो आप कंपनी में नौकरी ढूंढने जाते हैं या कंपनी में इंटरव्यू देने जाते हैं, तो आपका चुनाव कैसे किया जाता है। मान लीजिए आपके जैसे 10 लोग हैं, तो वहां पे इंटरव्यूअर जो इंटरव्यू ले रहा होता है, आपका सिलेक्शन कर रहा होता है, कुछ कुछ पैरामीटर पे यानी कि कुछ लेवल पे आपको चेक करता है कि क्या आप इस काम को करने लायक हैं, क्या आपको अगर ये काम दिया जाए तो कर पाएंगे, क्या आप में वो बोलने की क्षमता है कि अगर बोलनी पड़े कि 10 लोगों के सामने क्या बोल पाएंगे, कि आपको अगर मीडिएशन करना पड़े, 2 लोगों के बीच में विवाद हो रहा है तो उसको आप सुलझा सकते हैं। तो कंपनी में इस तरह से सिलेक्शन हो रहा है। अगर हमारी अपने पंचायत में बात करें तो क्या हम इतना नहीं समझ सकते हैं कि ये इंसान के अंदर वो कैपेबिलिटी है, ये ना सोच करके कि हाँ ये मेरे कास्ट के हैं या मेरे ये जानकार के हैं या उनके कहने के, ये सारी बातों को थोड़ा नजरअंदाज करके हम मॉडर्न टाइम पे 2021 में जी रहे हैं, जहाँ पे सारी टेक्नोलॉजी से चीजें जुड़ी हुई है। अगर आपका लड़का पढ़ना चाहे बाहर में, एक बात कह रहे हैं, और आपका गाइडेंस नहीं मिल रहा है कहीं से, क्या उस लीडर में इतनी कैपेबिलिटी है कि वो आपको गाइडेंस दे सके? थोड़ा सा ये थोड़ा अलग चीज है, लेकिन कहीं ना कहीं लीडर में वो चीज क्वालिटी होती है कि आप अपने गांव के विकास के लिए, अपने पंचायत के विकास के लिए थोड़ा कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। क्या आपके मुसीबत में, अगर वो कोई मुसीबत आपके घर पे देख रहा है, आपके पड़ोसी में, क्या आ करके वहां पे पंचायती तरीके से आपके मीडिएशन कर सकता है, उस चीज को, मसले को समाधान कर सकता है? क्या जो फंड आएगा उसका सही यूटिलाइजेशन कर सकता है? एक बात बताना चाहूंगा दिलीप जी, कि वैसे तो मुखिया का काम होता है कि जो वार्ड सदस्य है उनसे सजेशन ले करके कि हाँ हर वार्ड में क्या क्या चीज की डिमांड है, कहाँ पे लाइट लगनी चाहिए, कहाँ पे कल लगना चाहिए, कहाँ पे ये पुल बनना चाहिए, सबका सजेशन ले करके वो कार्य करता है मुखिया। पर हमारे यहाँ कुछ मुखियों को देखने के बाद ये पता चलता है कि वो सिर्फ अपना करते हैं, सुनते सबका है लेकिन करते अपने मन का है, जबकि मुखिया का रोल ये नहीं होता है। मुखिया का रोल होता है कि सारे पंचायत जो वार्ड है, वार्ड मेंबर को बुलाए, वार्ड सदस्य को, और उनसे सजेशन ले कि हाँ ये फंड है इसको कहाँ पे लगाया जाना चाहिए। तो अगर इस तरह से आपको कहाँ कोई पे इसका नेता यूज दिखता होगा? है कि हाँ ये इस तरह का नेता है, तो उनको वोट देना चाहिए और उनको ही आगे बढ़ाना चाहिए। जी उनको आगे बढ़ाना चाहिए। और इस पंचायत चुनाव में युवाओं का क्या भागीदारी होगा? देखिए, ये तो हम कह ही रहे कि इंडियन यूथ जो है, इंडिया के जो युवा पीढ़ी है, वही हमारे देश के भविष्य है। इसलिए क्योंकि वो सिर्फ हार्ड वर्क करना ही नहीं जानते हैं, स्मार्ट वर्क करना भी जानते हैं। तो जब स्मार्ट वर्क की बात करता हूँ, तो क्या स्मार्ट थिंकिंग नहीं होनी चाहिए उनकी, स्मार्ट सोच नहीं होनी चाहिए? मतलब ये कि
ठीक है, पहले से हम किसी एक पार्टी, एक व्यक्ति को हम वोट देते आ रहे थे और उसी सोच में हम थे, लेकिन अब क्या हमें लॉजिकल सोच नहीं रखनी चाहिए, तर्क वितर्क नहीं करनी चाहिए कि अगर दो नेता है, मान के चलिए आपके जानकारी में, तो दोनों ठीक है। नेता में कौन से बेटर हो सकते हैं हमारे लिए? और युवा एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है उस चीज को अच्छे से लोगों को समझाने में, जिसको हम अवेयरनेस भी बोलते हैं, रोल कि प्ले लोगों मतलब को महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता हाँ महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं, है। ठीक आसपास के है। लोग के तो बता सकता था, जो गांव के युवा लोग बा, कम से कम उस लोग के जानकारी बटे, जहाँ अगर मान जानकारी लेते होगी। नहीं कि हम दिलीप, हाँ दिलीप जी खड़ा होता नहीं, तो दिलीप जी के बारे में शायद हमारा बड़ बुजुर्ग के ना पता होते, लेकिन दिलीप जी के बारे में जानकारी करे खतरा हम घरे भी जा सकते, 10 गो लोग से हाँ राय हाँ भी ले सकते, सही बात। ताकि ना, तो वैसा हाँ अगर युवा काम कर रहा बटे तो शायद ओकर घर के घर गार्जियन बाटे तो वो भी ये डायरेक्शन में सोचे, सोच अच्छा के पीयूष कहीं जी, ना कहीं एगो मेडिएशन कर सकल। पीयूष जी एगो और चीज जी देखल बा, हम आंख से देखले बनी, अपने सामने देखले बनी कि हाँ लोग भ्रष्टाचार के मामला पर चुप रहेला गांव में, मैंने देखेला लोग यहाँ भ्रष्टाचार होता सामने, लोग तब लोग चुप रहेला, आंख बंद कर रहेला। तो जनता के में का भागीदारी भाई, बस जनता के तो माने अगर कुछ विकास नहीं होत पंचायत में आ कोनो चीज के दिक्कत बा, तो इसमें हमरा लागत है कि एमे जनता भी जिम्मेदार बा, क्योंकि जनता आवाज ना जनता के उठाई। बिल्कुल जिम्मेदारी बा। दिलीप जी हमारा याद बैठे कि हम जब गांव में पढ़ाई हम करत रही, तो हम हमारा गांव के केहू सदस्य रहे स्कूल के, जो देख रेख करे वाला रहे, तो जब भी वो कुछ काम करे तो 5 आदमी 10 आदमी के मौजूदगी में होके, ताकि वो चीज के सही तरीका से जांच पड़ताल कर जाए कि काम सही हो रहा बटे। लेकिन आजकल कुछ देखे में ये मिल रहा बटे कि शायद उस तरह से ओकर जांच पड़ताल नहीं हो, कहीं ना नहीं कहीं क्या ये हो। चीज होता थे कि काहे कि 3 आदमी आयल मान के चली कोनो चीज के कॉन्ट्रैक्ट देखबे स्कूल बनावे के, तो एमे क्या होता है कि तू कितने में कॉन्ट्रैक्ट लेबो, तो वो कहता है कि ठीक भाई 1 लाख में, दूसरा वाला कहता है जे ना हम लेहम एकरा के 1.5 लाख में, तीसरा वाला कह देलक जे हम 3 लाख में लेहम, तो अब ओमे देखो था कि हमरो फायदा हो जाए उनको फायदा हो जाए, 1.5 लाख मैंने कहे का मतलब हम एथी में क्या कहे मतलब हम 1 लाख में बना दे, हाँ कमे में लगा के कोई सामान अथी तैयार कर देनी, डेवलपमेंट वाला पुले बना देनी, तो 50,000 हाँ मिला के हम बना देनी, 50,000 में ऊपर गायब कर देनी, तो ई हाँ का हो जाई कि काम होगल सस्ता हिसाब के, बढ़िया काम ना भल, पैसा कम देला के मतलब भले काम बढ़िया ना बोला, एमे होगल खाए खियाए वाला बात होगल, खाए पिए वाला बात। तो तो ई रोवा जब हिसाब तक से कोई अगर कर मान ली सकल। कि अगर रोवा हिसाब से एगो एगो लास्ट सवाल बा, कैसे समय कम बा, तो हम चाहते नहीं अच्छा, कि लास्ट सवाल रोवा से ले ली। तो लास्ट सवाल ये बा कि अगर केहू मुखिया प्रत्याशी वोट मांगे जाता, अभी बहुत लोग जुड़ल बा लाइव, तो हम चाहते नहीं अच्छा रोवा कुछ अपने पर प्रकाश डाली, अगर केहू मुखिया जी प्रत्याशी जाता केहू के द्वार पर वोट मांगे खातिर, ठीक, जी जी तो मुखिया प्रत्याशी से का सवाल पूछल जा, विकास के लेके का एजेंडा, 5 ऐसा महत्वपूर्ण बात बताई रहुआ कि जो कि मतलब हर पंचायत में जरूरत बा, जो होवे के चाहिए। यस बहुत सही सवाल बटे। पहले तो हम सब क्योंकि हमनी के जितना लोग बानी से गांव में, सब क्योंकि हिम्मत ये चीज रखे के चाहिए कि सवाल पूछल जायज बा, सवाल पूछे के चाहिए, कितना चीज बटे ना इमोशनल गेम चल रहा बा गांव में, कि मतलब इमोशनल मुखिया जी गेम नहीं चल रहा कहेंगे बा, कम हाँ तार भाई होई, तार चाचा होई, तार भतीजा हाँ अब ये वो हम वीडियो देखनी दिलीप जी, उसमें कोनो लड़का सवाल पूछ देला तो तू इतना बड़का हो गईला मुखिया जी से, इनका से सवाल कर देबो, देखिए अगर सवाल जायज बा तो केहू भी कर सकता, एगो बच्चा भी कर सकता, काहे कि ओकरा भविष्य के सवाल बा, ई लीडर लोग के रोल बहुत बड़ा है हम बटे, और 5 ऐसा चीज का पूछ सकल जाता लीडर से, कि पहली का चीज कि रउर अपन विजन बताई, आप अपना विजन बताइए कि क्या कर सकते हैं हमारे लिए, आपके प्लान में क्या है, अपन क्या सोच रूपरेखा कर वो आप बताए, खड़ा हुए हैं, रूपरेखा। हाँ आपका सोच क्या है, जरूर हमारा मालूम बटे अपना पंचायत के बारे में कि का का चीज होके के चाहिए, अगर नहीं भी मालूम तो हमारे लीडर बताए कि हम का करें, बाकी ना तो अगर लीडर के विजन बुझाता कि हाँ ये कुछ प्रैक्टिकल लगता है, ऐसा ना कि बड़ा बड़ा फेंक के चल जा लो कि हाई सस्ता कह दे हाई हाई फ्री कह दे हाउ फ्री कह दे, ऐसे काम ना चले, प्रैक्टिकल बात होके के चाहिए, इतना समझे के हमारा लगता है युवा में सोच बा, केहू के सोच बहुत बात। इमोशनल भइला के जरूरी नहीं है।
है ना, क्योंकि प्रति इमोशनल वाला के जरूरी नहीं के पूरा डायरेक्ट सवाल करे के बा, काहे कि ये लोग बा जे भेल वाला काम करे कतरा जल जाई तो ई लोग बिना पैसा ले ले चाहे कोनो ऐसन चीज बटे जे ना होके दे वाला। हम ई बात उदाहरण के साथ में कहत हनी, हमरा साथ भी वही बटे ठीक बा। तो पहले नहीं, मान के हकीकत चलिए कि भाई, रो विजय अगर रावल बिहार जैसे के बात करें, पूरा बिहार के बात करें, तो ये हर गांव, हर कस्बा, हर पंचायत में काम हो रहा बा कि वोट मांगे के समय में लोग हाथ जोड़ के वोट मांगेला, वो आदमी जब कोनो काम खातिर जाए बाद में तो ओकरा से घूस मांगल जाए, बात बने और दूसरा तो चीज, ये सब के चीज। हाँ बोली बोली हाँ बोली बोली, आगे रुआ बोली तो का कहे। पहिलका उनकर विजन पता चल गल ठीक बटे, उनकर पद के जिम्मेदारी का बटे, पद के जिम्मेदारी की आपको पता है इस पद का जिम्मेदारी। हम गांव में दिलीप जी देख रहे हैं कि ऐसे ऐसे लोग खड़ा हो गए हैं जिनको पता ही नहीं है कि इस पद की जिम्मेदारी क्या है, बस जिम्मेदारी उनको क्या है? हवा हवाई में, बस हाँ हवा हवाई में खड़ा हुआ, किसी ने बोल दिया कि हाँ वो अब चुनाव आ गया है तो कुछ वार्ड सदस्य का पद मिल जाए, और हमारे यहाँ के वार्ड सदस्य डायरेक्ट आके ऐसे पूछेंगे कि हाई फोन डायल में के ली, काहे खतरा कि कुछ उनमें से मिल जाए। मिल अब ये जाए। आदमी के लीडर बना के कोई ना हमने के फायदा हो, अरे गांव में तो कुछ लोग उतना पढ़ल लिखल नहीं के, चाहे उतना जानकारी नहीं के, ओकर मदद करे खतरा प्रतिनिधि चुनल जाता वार्ड सदस्य के, कि ओकर जागरूकता करे कोनो चीज काम करे, आ उहे जाके ओकरा से पैसा। दूसरा जिम्मेदारी ठीक बटे, आ तीसरा का ओकरा बारे में थोड़ा रिसर्च करे के चाहिए कि अपन एक्सपीरियंस बताई काहे खातिर पॉलिटिक्स में आयल बानी, ओकर विजन जाने के कोशिश करे, का रउरा सच में समाज सेवा करे के इच्छा बा, सच में ही चाहत नहीं कि समाज हम सेवा करे के मकसद से रुरा राजनीति में आयल बनी, या चाहे मुखिया पद खातिर लड़त नहीं, कि सिर्फ रउरा अपना ला इंटरेस्ट बटे। जौना आदमी के अगर समाज सेवा करे के इच्छा में होई, जरूर ओकरा बात से लग जाए का तर्क वितर्क दे रहल बटे ठीक बा, केतना समाज के बीच में रहल बटे जरूर से पता चल जाएगा। तो ये सब कुछ चीज बटे, एगो चीज पे नहीं आदमी के जज कर सकल जात, चाहे बता सकल जाता कि ये हमरा खातिर नेता बा, लेकिन ओकरा बारे में जानकारी कर ही हमनी के बेसिक चीज बा जौना के करे के चाहिए। जी तो पीयूष जी, गुरुवा सारे पॉइंट पर अपन रखनी बात काफी बेबाकी से, और अभी जो हम लोग हमनी के लाइव देख रहा बा, सबके के धन्यवाद। अगर कोनो सवाल होके तो पूछ सकत अपन हनी। हाँ सवाल वाले में कमेंट में डाली, कोशिश कल जाई ओकर जवाब देवे के। एक बात हम कहे के चाहे दिलीप जी कि एक ये आयल सब बनिया के चीज युवा युवा बीजेपी रन जे जात पात के नाम जी पर वोट मांगने वाले लोग विकास पर ना सेवा करके जनता के बीच में आए उसे वोट करें, का आपका क्या इस पे है? क्या एक बार से दोबारा से दोहराइएगा, जात पात पे यहाँ कमेंट आप देख रहे हैं, यहाँ पे एक हमारे जुड़ चुके हैं जिनका युवा बीजेपी रंजे, जिनका सवाल है कि जी। जात पात के नाम पर वोट मांगने वाले लोगों को विकास के नाम पर ना सेवा, अच्छा, करने वाले के नाम पर वोट करें। इनका बात सही है, मतलब बहुत लोग वोट जात बात पे वोट मांग रहे हैं, जी, तो ये बहुत इनका सही बात बोले हैं कि जात पात से थोड़ा सा हमें निकल के सोचना पड़ेगा। अब वो टाइम है जहां पे साइंस की दुनिया चल रही है, अब जात पात तक कब अटकेंगे कि हमारे ये फलाना अपने कास्ट के हैं, उनका वो कास्ट है, जो ठीक है हमारा पुराना हिस्ट्री रहा है कि ऐसा हम लोग सोचते थे, लेकिन अब मॉडर्न टाइम है, थोड़ा हम कुछ अलग सोचते हैं, हमें बाकी लोगों से भी कहने का मतलब है, आप देखिए दूसरे स्टेट के लोग कितने आगे बढ़ रहे हैं, हमें अपने बिहार को भी आगे बढ़ाना है ना। और एक चीज, एक तो और चीज हमने में हम व्यक्तिगत रूप से इसको महसूस किए हैं कि जी हमारे यहाँ पंचायत में, पंचायत के आसपास और पंचायत में अच्छे कॉलेज नहीं होने के कारण काफी बच्चियाँ आगे अपने अपने पढ़ाई को नहीं कर पाती हैं, जी और उनके माता पिता के पास उतना पैसा होता भी नहीं है कि वो बाहर भेज के अपने बच्चियों को पढ़ाए। जी तो मुझे लगता है कि सारे जो भी मुख्य प्रत्याशी हैं उनको इसके बारे में सोचना चाहिए, कम से कम एक स्कूल होना चाहिए जिसमें कि बच्चियों बच्चियां जो पढ़ सके, जी जी बच्चियां
बीए बीकॉम बीएससी एमए एमकॉम घर पर बैठे कर सके, और जो ये हर पंचायत में होना चाहिए, जी क्या कहते हैं इसके बारे में आप पीयूष जी? देखिए, ये सारी चीजें समझना तो एक पंचायत लेवल पे इन लोगों का काम है ही कि क्या क्या समस्या हो रही है हमारे लोगों के साथ में। यही रिकमेंडेशन देते हैं, रिकमेंडेशन का मतलब कि एक तरह से वो सलाह देते हैं कि इस चीज की जरूरत है, विकास करने की जरूरत है। तो ग्राउंड लेवल पे वार्ड सदस्य, मुखिया, ये सारे लोग विकास के उसी अंग को समझने के लिए है, और ये अपना रिकमेंडेशन देंगे, मान लीजिए वीडियो को, डीएम को, तभी तो वहां से फंड आएगा, और चाहे उसके लिए जो भी हो सकता है वहां से किया जाएगा। तो ये लोग क्या है ना कहीं इसमें अपना रोल अच्छे से प्ले करें तो हमारी जो आसपास की समस्या है ना वो समाधान हो सकती है। मूलभूत ठीक समस्याएं, है, सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और कोई अंतिम क्वेश्चन आपसे पीयूष जी, आपका बहुत ज्यादा समय मैंने ले लिया, तो अंतिम प्रश्न आपसे यह है कि क्या संदेश है हमारे व्यूवर्स को जो अभी आपको लाइव देख रहे हैं? जी, मैं ये कहना चाहूंगा दिलीप जी कि अभी जो लोग भी देख रहे हैं, शायद कुछ उनके मन में उम्मीद है, कुछ उम्मीद है कि हाँ यहाँ पे क्या समझने को मिल रहा है, क्या जानकारी मिल रही है, क्योंकि वो इस चुनाव से लेना देना रखते हैं। जैसे कि टाइटल ही है आपका कि मुस्तफाबाद पंचायत सर्वे, वो भी जानना चाहते हैं कि क्या जनता का मन है, क्या क्या चीजें हम सोच सकते हैं इस चुनाव के माध्यम से। तो मैं तो उनको पहले से पहले बोलना चाहूंगा कि बहुत बहुत धन्यवाद, आप अपने कीमती समय निकाले यहाँ पे हमें सुने, लेकिन आप डिसीजन अच्छे से लीजिएगा, क्योंकि आपको तो इतना पता होगा कि हम कहीं ना कहीं ग्राउंड लेवल पे इतना विकसित नहीं है, इसलिए हमें बाहर की चीजें ना हमें ज्यादा अट्रैक्ट करती है, हम बाहर जाते हैं चीजों को सही। ले। यहाँ छोटे छोटे लेवल पे काम बात करें तो पढ़ाई भी करने के लिए हमें बाहर जाना पड़ रहा है, विकास मतलब विकास की बात करें तो एजुकेशन बाहर लें, नौकरी बाहर करें, ये अपनी लाइफ बाहर जिए, फिर हम मतलब इस ग्राउंड से जहाँ पे हमारी जन्म हुई है वहां से निकलने सब चीज बाहर ही करेंगे, तो वहां पे क्या करेंगे? सही। तो कुछ इतना अच्छा डेवलपमेंट हो कि हम हर चीजें वहीं पे फील कर पाए कि हमें एजुकेशन भी यही हो रही है, नौकरी भी यही हो रही है, ठीक है, और हम अपने आसपास के लोगों के साथ में रह के एक दूसरे को सपोर्ट करें, और इसमें लीडर का बहुत बड़ा रोल है कहीं ना कहीं। तो लीडर आप अच्छे से चुनिए। थैंक लीडर को सुनने यू। में ये किसी ने मैसेज युवा दिया, बीजेपी थैंक यू बोल रहे हैं, पीयूष पीयूष जी बहुत बहुत धन्यवाद। रंजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, आपने सुना और ये अपना कीमती लोकल, समय वो दिया। लोकल पॉलिटिक्स में एक्टिव हैं युवा जी, बीजेपी रंजय जी, तो और एक चीज मैं बहुत बोलना बहुत चाहूंगा आपको, धन्यवाद सॉरी पीयूष अगर जी। आप में ज्यादा टाइम लगा। हाँ, एक नहीं चीज नहीं बोलिए बोलना बोलिए। चाहूंगा कि हमें लगता है ना कि युवा लोगों को, जो यूथ है ना, उनको मौका देना चाहिए, क्योंकि वो ना इस समय के युवाओं हिसाब को से बहुत सारी चीजें समझ रहे हैं। जी बिल्कुल, युवा को मौका देना चाहिए, और ये टाइम थोड़ा बिल्कुल मॉडर्न की तरफ जा रहा है, तो थोड़ी मॉडर्न थिंकिंग चाहिए, ठीक है। तो मुझे लग रहा है जो ओल्ड एज में है भी ना पॉलिटिक्स में, उनको मौका देना चाहिए एज ए अपने बच्चे समझ कर, कि हाँ इनको थोड़ा मौका देते हैं। मौका क्या देते उन्हें हैं खुद ही मौका एक्चुअली, देना, थोड़ा खुद ही मौका देना। हाँ देना चाहिए, ताकि वो अपनी एनर्जी, एजुकेशन, अपने क्षमताओं का पूरा इस्तेमाल कर सके वहां पे, समझ रहे हैं? तो रंजय जी जैसे युवा को मुझे लग रहा है अगर ये अपने विजन के साथ में पूरा कर्मठ है, तो इनको मौका देना चाहिए ऐसे लोगों को, अगर कुछ ये करना चाहते हैं समाज ऐसे के लिए। लोगों को मौका देना चाहिए, और मुझे भी लगता है क्योंकि ये लाइव आने का और ये वीडियो बनाने का हमारा मकसद यही है कि अगर 1% भी हमारे बातों से हमारे समाज का, हमारे पंचायत का कुछ भी फायदा होता है, ठीक है, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात जी है। अगर जितन हमारे जी बातों का असर लोगों के पास पहुंच जाती है, सही से पहुंच जाती है, लोग इस पे अमल करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम भी चाहेंगे, कोई नहीं चाहता कि उनका समाज बिगड़े, कोई नहीं चाहता है कि उनका समाज विकास ना करे, कोई भी नहीं चाहता उसका देश विकास ना करे, दुनिया में सब कोई नहीं है, मेरे को नहीं लगता। तो जी इसलिए यही मेरा मकसद था आपको लाइव बुलाने का। सो आपने अपनी बातों को बहुत बेबाकी से रखा, और जितना भी जितनी भी उसकी तारीफ कर किया जाए कम है पीयूष जी, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कीमती समय निकालने के लिए।
फिर से। एंड आप जितने भी ऑनलाइन हैं आप सबका भी हृदय से धन्यवाद, जी ऐसे ही बने रहें। फिर से मिलते हैं एक नए जी बहुत बहुत पर्सनालिटी के साथ, धन्यवाद। तब तक। तब तक जी जितेंद्र जी, अरुण जी अपना और ख्याल रखें, अपने परिवार का बाकी सारे ख्याल लोग हैं रखें। अभी जिनको हम अभी नाम नहीं देख रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए। बाय बाय। बाय बाय। थैंक यू। बाय।